Primary School, Playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Mr. Pokhra, Madhwadi, Dashashwamedh branches in Varanasi. बजट आने वाला है, इस बजट से कितनी उम्मीद आम जनता को आप दे पाएंगे, क्या लगता है सरकार अच्छी नहीं दे पाएगी? देखिए, केंद्र में जब से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, लगातार जनहित की योजनाओं की झड़ी लगा दी है और आम जन का जीवन स्तर कैसे सुधरे ये सरकार की प्राथमिकता में है। सबको घर मिल जाए, सबके पास अपना निजी शौचालय हो, सबके पास अपने गैस कनेक्शन हो, सबको आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए का बीमा कवर मिल जाए, उस वर्ग को जिसकी इसकी आवश्यकता है, इस पर सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किया है और आगामी बजट में भी हमको उम्मीद है कि ये प्रक्रिया जारी रहेगी और जनता के हित की जो योजनाएं हैं वो परिलक्षित होंगी। गंगा यात्रा को लेकर के क्या इंतजाम है, कब से शुरू होगी? गंगा यात्रा प्रदेश में 27 तारीख से 31 तारीख तक गंगा। सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पत्रिका बिना ऑपरेशन के सफल इलाज, एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा पहाड़िया वाराणसी। यात्रा निकलनी है, 1027 किलोमीटर का रूट है प्रदेश में, बिजनौर के पास से जहाँ से गंगा जी प्रवेश करती हैं गाजीपुर के आगे तक, ये दो जगह से निकलेगी। एक यात्रा बिजनौर से माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में आरंभ होगी और एक गाजीपुर से माननीय राज्यपाल जी की उपस्थिति में प्रारंभ होगी और दोनों यात्राएं 31 तारीख को कानपुर में आकर मिलेंगी। इस यात्रा के रूट में जितने भी गांव पड़ रहे हैं, जितने भी क्षेत्र पड़ रहे हैं, उनमें जागरूकता फैलाना इस यात्रा का उद्देश्य है कि गंगा जी को की निर्मलता अविरलता कैसे अक्षुण हो, इसके लिए सरकार काम कर रही है और जनता को भी जागरूक किया जाएगा कि गंगा जी प्रदूषित ना होने पाए। सरकारी योजनाएं जितनी हैं वो चाहे गंगा जी को स्वच्छ और निर्मल रखने की हो या जनहित की हो, उन सबका लाभ उस रूट पर रहने वाले जनता को 100% मिले, इसके प्रयास किए जाएंगे। उस रूट के ऊपर विभिन्न विभागों के क्रियाकलाप होंगे, वहाँ आरोग्य मेले लगेंगे। स्कॉलर्स वैली, अ होम ऑफ एजुकेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 8, कॉल 9235442970, नियर उकार हॉस्पिटल, सुंदरपुर वाराणसी, एजुकेशन पार्टनर विद टाटा क्लास 8। वहाँ खेल कूद प्रतियोगिताएं होंगी, वाद विवाद प्रतियोगिताएं होंगी, वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। वहाँ सुनिश्चित किया जाएगा कि उन क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थल बने, क्रीड़ा स्थल बने, खेल के मैदान बने, गंगा जी के किनारे हर जगह पर गंगा जी की आरती हो, उसके लिए स्थल बने। वहाँ पशु आरोग्य मेले भी लगेंगे, विभिन्न कार्यक्रम हैं। वाराणसी में ये यात्रा 8 को 12 बजे प्रवेश करेगी और 29 तारीख को 12 बजे यहाँ से प्रस्थान करेगी। इस बीच में 44 गांव पड़ते हैं, उन सभी गांवों में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। 44 गांवों में चौपाल लगाई जाएंगी जहां सरकारी योजनाओं का लाभ जनता को मिल सके, वहां अधिकारी सारे रहेंगे, हमारे जनप्रतिनिधि रहेंगे और उसके साथ साथ 2 सभाएं होंगी, एक शहर में और एक रामनगर में। 2 जगह आते समय स्वागत सभा होगी और 2 जगह जाते समय स्वागत सभा होगी। विभिन्न स्थानों पर मानव श्रृंखला बनेगी और अनेक कार्यक्रम होंगे, एक संक्षिप्त जल यात्रा भी होगी। ये पूरा गंगा यात्रा का प्लान है। वाराणसी में सीएम भी रहेंगे? अभी ये आज से कल तक निश्चित हो जाएगा कौन कौन किस जगह रहेगा। धन्यवाद।